असलम आई होप यू ऑल विल बी फिट एंड फाइन जैसा कि आप लोग जानते हैं हमने फमेको कैनेटिक्स स्टार्ट किया था और कल हमने देखा था उसमें रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उट उट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग कि ड्रग की एब्जॉर्प्शन कैसे होती है बट सबसे पहले हम एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि एब्जॉर्प्शन होती क्या है ड्रग की ट्रांसफ़र होती है कहाँ से उस साइड से जहाँ से हमने उसको बॉडी में एंटर करना है और उससे कहाँ होनी है हमारे ब्लड स्ट्रीम में उस ट्रांसफ़र को हमने कह देना है डेट इज़ एब्जॉर्प्शन ठीक हो गया और ये इसका रेट और एक्सटेंट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि ड्रग जो है उसके केमिकल कैरेक्ट्रिस्टिक्स क्या के हैं रूट कौन सी हमने चूज़ की इन सब के ऊपर ठीक हो गया तो लेट्स स्टार्ट इट फर्दर इसको कंटिन्यू करते हैं और इसमें फर्स्ट हेडिंग है मकैनिज़म ऑफ ऑब्जॉर्बशन ऑफ ड्रग फ्रॉम जी आई टी जी आई टी से ड्रग कैसे अब्जॉर्ब होती है ये किस पे डिपेंड करता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ठीक हो गया और किस किस तरह से ड्रग एब्जॉर्व हो सकती है वेदर वो पैसिव डिफ्यूजन से हो सकती है फैसिलिटेटिड डिफ्यूजन से भी हो सकती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस इसको हम बारी बारी वन बाय वन सब देख लेते हैं सबसे पहले है पैसिव डिफ्यूजन पैसिव डिफ्यूजन कहते हैं डेफिनेशन की तरफ चले तो ड्रग ने जो है मूव करना है कहाँ से हाई कंसनट्रेशन ग्रेडियंट से लो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ ठीक हो गया और इसमें जो है कोई कोई भी कैरियन इन्वॉल्व नहीं होता ठीक हो गया और वाटर सोलव ड्रग जो है वो सेलमब्रेन को पेनिट्रेट कर देंगे क्योंकि सेलमब्रेन में हमें पता है कि एक्वस चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू जो है वाटर वाटरसोल्बर ड्रग्स अंदर सबस्टांसिस अंदर मूव कर सकती हैं ठीक हो गया तो हाई कंसट्रेशन ग्रेडियंट से लो की तरफ जो मूवमेंट होती है डेट इज नॉन एज पैसिव डिफीन उसके बाद नेक्स्ट है फैसिलिटेट डिफीन अच्छा ये भी जो है ना ड्रग की मूवमेंट है लेकिन मेमब्रेन से लेकिन कैसे विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन ठीक हो गया अब कैरियर प्रोटीन में जो है कुछ चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से क्या होगा ड्रग जो है ना अंदर मूव कर जाएगा सेल के अंदर और इस प्रोसेस को हमने कह देना है विच इज़ कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन इज नॉन एज फेसिलिटेड डिफ्यूजन इसमें भी एनर्जी नहीं चाहिए नेक्स्ट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसी टाइप है जिसमें ना ड्रग को हमने अंदर मूव करवाना है मेमब्रेन के थ्रू लेकिन हमने एनर्जी यूज़ करनी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी और इसमें क्या होगा जैसे ड्रग अंदर मूव करी होगी एटीपी कन्वर्ट हो जाएगी एडीपी में और इस मूवमेंट uh, को हम नाम दे देंगे कि जी ये मूवमेंट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसका नाम है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ठीक हो गया नेक्स्ट इज एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस अच्छा एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस क्या तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एंडोसाइटोसिस अब इसमें क्या होना है कोई ड्रग है ना उसको हमने अंदर निगलना है सेल बेन के जरिए ठीक हो गया और अंदर जो है निगल के सेल में ट्रांसपोर्ट कर देना किस तरह वेजिकल की फॉर्म में कि एक जो है ना वो फॉर एग्जांपल ये मेमब्रेन है हमारी कोई ड्रग आई अब मेमब्रेन ने क्या करना है इसको यू निकल लेना है एक वेजिकल बना देना इससे अंदर मूव कर देना और ये जो फॉर्म होगी दैट इज एंडोसाइटोसिस नेक्स्ट इज एक्जोसाइटोसिस उसका रिवर्स है ठीक हो गया इसमें भी जो है ना इनवर मूवमेंट हो जानी है ठीक हो गया और इसकी एग्जांपल है कि जो वाइटामिन बी12 जो है ना वो एंडोसाइटोसिस के थ्रू होता है जबकि न्यूरोट्रांसमीटर जो है ना वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू होते हैं हमारा नेक्स्ट फैक्टर है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एब्जॉर्प्शन अच्छा अब इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं इसमें फर्स्ट फैक्टर है इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन ड्रग एब्जॉर्प्शन पी एच का क्या इफेक्ट होता है कुछ ड्रग्स जो होते हैं ना या तो वीक एसिड होते हैं या वीक बेसिस होती हैं एसिडिक ड्रग्स जो होती है वोटीन प्रोटोन रिलीज कर देती है जिसकी वजह से चार्ज ए नाइन बनता है जैसे कि ये एच ए ये कन्वर्ट हो गया एच पॉजिटिव ये नेगेटिव ये प्रोटोन हो गया कि ये चार्ज एन आइन हो गया और वीक बेसिस जो है ना वो भी एज पॉजिटिव रिलीज करती हैं लेकिन जो प्रोटोनिटेड फॉर्म होती है ना वो चार्ज होती है जैसे कि बी एच बी वैसे क्या गया एच पॉजिटिव के प्रोटोन जो है ना वो चार्ज है जो बी हमारा था वो अपनी उसमें स्टेबल स्टेट में है ठीक हो गया नेक्स्ट फैक्टर है हमारा ब्लड फ्लो टू एब साइट अच्छा इसमें सबसे ज़्यादा एब्जॉपशन जिस साइट पर होती है वो इंटरेस्टिंग है क्यों क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा सप्लाई है नॉर्मल की तरफ नहीं जाएंगे लेकिन जनरली बता देते हैं कि इसकी जो है बहुत ज्यादा सप्लाई है बहुत ज्यादा इसको सप्लाई है ब्लड वेसल्स वगैरह की इसलिए सबसे ज्यादा जो है ना स्टमक से भी ज्यादा इंटेस्टिन में होती है तो सबसे ज्यादा जो अब्जॉर्बशन होती है वो इंटेस्टिन में होती है नेक्स्ट है टोटल सर्फेस एरिया अच्छा अब जैसा कि हम जानते हैं कि जी इंटेस्टिन में इसका बॉर्डर है बॉर्डर पे बहुत सारे माइक्रोफिल्लाए होते हैं माइक्रोफिल्लाए होंगे तो बेसिकली उन्होंने काम किया करना सरफेस एरिया इंक्रीज कर देना तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा इतनी ऑब्जॉर्प्शन होगी ठीक है और इंटेस्टिन में थाउजेंड फोल्ड ज़्यादा होती है डेट ऑफ स्टमक क्योंकि इसका सर्फेस एरिया ज़्यादा है माइक्रोफिल्लाएं उन्होंने सर्फेस एरिया और इंक्रीज कर दिया उसके बाद है कॉन्टेक्ट टाइम अगर ड्रग जो है जी से बहुत ज़्यादा जल्दी मूव कर रही है वो अच्छी तरह अब्जॉर्ब नहीं होगी जैसे कि डायरिया के, के केस में हो सकता है कि जी फ़ौन निकल गई है फ़ौर फॉर जी आई टीज मूव क्योंकि फ़ौर निकल गई तो कोई कंडीशन होगी जैसे कि डायरिया ठीक है और कोई भी चीज़ जो इसके ट्रांसपोर्ट को डिले करिए स्टमक से इंटेस्टिन में वो उसके साथ साथ उसकी अब्ज़ॉर्बेशन भी कम हो जाएगी ठीक हो गया लास्ट वन इज एक्सप्रेशन ऑफ पी ग्लाइकोप्रोटीन पी ग्लाइकोप्रोटीन जो है ना ये ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है इसने क्या करना है बहुत सारे ड्रग्स की जो है ट्रांसपोर्टेशन अंदर करनी है ठीक हो गया ये कहाँ एक्सप्रेस होता है बहुत सारे टिश्यूज में इसमें कौन कौन से आगे लिवर टिश्यूज आ गए किडनी प्लेस एंटाइन टेस्ट ब्रेन कैपेलिज वगैरह ठीक है उसके साथ साथ जो है इसने ट्रांसपोर्टेशन करनी है ड्रग्स की टिश्यू से ब्लड में ठीक हो गया इसने क्या करना है ड्रग्स को सेल से बाहर निकाल के ब्लड में पंप कर देना है ये थे कुछ फैक्टर्स नेक्स्ट हमारा हेडिंग है बाय अवेलेबिलिटी बट इनशाला हम नेक्स्ट करेंगे टिल देन टेक केयर अल्लाह हाफि फमान ला